तो भाई मीरा रोड और जो भेंदर साइड में रहते हैं। इनके फिंगर जुड़ी हुई है, एक ही बता रहा हूँ मैं, बहुत कंप्लेंट्स आई है। और ये निकल गया। अच्छा ये निकल ही गया, ये निकल ही गया। मैंने ये किसी को नीचे साइज भी बहुत, क्योंकि ये तो अगर अपनी बड़ी एडवेंचर बाइक है ना, ये उसी पे ही अच्छा लगेगा। तो हेलो व्हाट्सअप गाइस, इट्स योर फ्रेंड तनय कुमार, और आज हम देखेंगे JDR के टॉप बॉक्स और DSG के कुछ ग्लव्स। तो इसकी आगे की पूरी नॉलेज आपको देंगे, तो चलो करते हैं वीडियो स्टार्ट। चलो करते हैं एक्सट्रीम को कोल्ड स्टार्ट। ज़्यादा दूर नहीं है दुकान, तो टाइम नहीं लगेगा, 5-6 मिनट में पहुंच जाएंगे, पास ही है दुकान, चलते हैं। चलो ये 500 के ग्लव्स हैं, ये भी प्रॉपर प्रोटेक्शन की और ऑल सीजन है, कोई भी सीजन में चला लो। वाटरप्रूफ तो नहीं रहते, वाटर रेजिस्टेंट होते सब। इसमें भी स्कैम बहुत बड़ा हो रहा है। जो ओरिजिनल थे ना, जो ओरिजिनल आपको मिले प्रो बाइक करके, बहुत कम शॉप में मिलते हैं। ये ओरिजिनल है ना, प्रो बाइकर के ओरिजिनल है। इसकी क्वालिटी देख लो निकाल के। ये मैंने अमेज़न पे देखे थे, ये मैंने ऑर्डर करे थे, तो मेरे को इसकी जगह कुछ और ही ला के दिया था उन्होंने। ये ओरिजिनल वाले, इसकी क्वालिटी उसके जमीन आसमान का फर्क है। इसमें भी कॉपी बहुत आ रही है, जो ओरिजिनल अराउंड 650-700 की रेंज में, जो कॉपी काफी अच्छा में दिख रहा है। और ये कितने का है? ये 650 वाले उसके। अब अगर आपको डुप्लीकेट दूँ, 400 के आसपास आता है। ये लाइट आती है इसमें। अच्छा, इसमें दो हेलमेट साथ में बैठ जाते हैं। कितने लीटर की है? 45 लीटर का। इसमें सेम 45 लीटर, 30 लीटर से, 32 लीटर से, 35 लीटर से, सब अलग अलग है। लाइट वेट है। अराउंड 3500 से स्टार्ट हो जाते हैं और हैवी रेंज तक जाते हैं। अभी ये दो नॉर्मल बॉक्स है, अगर प्रीमियम वाला बॉक्स चाहिए अराउंड 7500-8000 में अच्छे से अच्छा बॉक्स आ जाता है। स्टड्स की भी रखते हैं क्या? स्टड्स की रखता हूँ, स्टड्स की बॉक्स की जो अमाउंट 1570 उसकी एमआर। और इसके अलावा मेरे पास एक प्रीमियम क्वालिटी का टॉप बॉक्स है, एल्यूमिनियम वाला। ये किसी को नीचे ही हो तो ये साइज भी बहुत बढ़िया है, क्योंकि ये तो अगर अपनी बड़ी एडवेंचर बाइक है ना, ये उसी पे ही अच्छा लगेगा। ये अपनी नेकेड हो गई, स्पोर्ट्स बाइक हो गई, उन पर भी ठीक लगेगा ये वाला। ये देखो, ये टॉप बॉक्स आपने बहुत राइडर्स को देखा। हाँ देखा है, अराउंड BMW वालों के तो खूब देखा है ये वाला। इसमें ब्लैक भी आता है, सिल्वर ही देखे ज्यादातर भी आते हैं तरीके के। इसमें दो ऑप्शन है। हाँ, इनफैक्ट इसकी जो पैडिंग है ना अंदर से, हाँ, प्रॉपरली की हुई है। मार्केट में 15-16,000 का है, तो हम लोग 11,500 में देते हैं, वो भी नेगोशिएट करते हैं और नीचे कर लेते हैं उसको भी। इसमें आपको सिल्वर भी मिल जाएगा एंड ब्लैक भी मिल जाएगा, और इसमें लॉक भी लग जाता है। हाँ, लॉक लगा हुआ है इसमें, आप देख सकते हो एक बार अंदर आके। ये प्रॉपर पैडिंग लिया हुआ है ना। हाँ, बहुत लोग क्या करते हैं, अंदर से आपको पैडिंग नहीं देते हैं। हाँ, बट इसमें आपको प्रॉपर पैडिंग दी डिजाइन के साथ, यहाँ पॉकेट्स भी ये दिए हुए हैं। 45 लीटर इसमें 55 भी मिलता है। ये रिफ्लेक्टर्स होके जो कि पीछे लग जाएंगे। इसे क्लैंप्स दिया हुआ है और दो चाबी दिया हुआ है।
एक नीचे से भी प्लेट दी अगर आपको निकालना है तो ये लॉक होता है उसका। तो फिर ये लगेगा कहाँ अगर ये प्लेट हटा देंगे तो? प्लेट नहीं, ये निकलता है, डिटैच करता है, प्लेट लगी रहती है क्योंकि ये जो है ना आप अगर हिमालय में लगा रहे हो तो टॉप रैक पे बैठता है, डायरेक्ट नहीं बैठता है, उसके ऊपर बैठता है। एक ऐसे में जो साइड वाले भी आते हैं उनकी क्या? साइड वाले अभी इम्पोर्ट करना चालू करेंगे, अभी तक चाहिए नहीं है। उनकी सेटिंग जो होती है जो लगने का, वो सब सिस्टम अलग ही होता है कि ऐसे ही होता है? ऐसे ही होता है बट थोड़ा अलग अलग होता है उसमें। अब ये फायदा क्या डिटैचेबल, आप ये भी देख रहे हो ये विद लाइट है विदाउट लाइट भी मिलते हैं, इसका फायदा क्या पता है? आप लगेज बना के इसको लेके जा सकते हो, ये पेची का काम नहीं करता है, बस खोलना पड़ेगा नीचे, बस नीचे से ये बटन दबाना वो लॉक खुल जाएगा ऑटोमेटिकली। बट जो ये करते हैं हम लोग रिकमेंड करते हैं कि लाइट वाला मत लो, लाइट वाला ही देना तो आपको ये कनेक्शन होता है ना फिर आपका। अच्छा, फिर कनेक्शन अपने को काटना पड़ेगा। तो ये सब भी डिटैचेबल है क्या, ये जो छोटे वाले? सब डिटैचेबल, बस इन वालों में लाइट चाहिए। लाइट वाले भी है विदाउट लाइट वाले भी चाहिए आपको? अच्छा, कोई ऐसा, मैं अपनी बाइक के लिए देख रहा हूँ बट मेरे को है ना कोई ऐसा छोटा बॉक्स चाहिए कि जो अपने साइड के अंदर देखा है क्या आपने, फुटरेस्ट होता है ना इस साइड में एक ग्रिल लगा होता है कि उस ग्रिल पे लग जाए, क्योंकि मेरे को ज्यादा बड़ा भी नहीं चाहिए और कुछ ज्यादा दिखा शो तो भी उसका नहीं। यही ऑप्शन है आपको स्टड्स वगैरह के? हाँ, क्योंकि मेरे को छोटा चाहिए बट इस टाइप का भी नहीं चाहिए, स्कूटर जैसे वाला। मेन पंगा वैसे कुछ स्पेसिफिक आता है, इसमें 10 मॉडल्स है, ये इसका साइज के ये नहीं लग पाएगा उधर, ये बड़ा है ना, इससे छोटा चाहिए तो स्टड्स का एक आता है, इससे छोटा ही चाहिए क्योंकि ये बड़ा हो गया है, इससे छोटा मिल जाएगा स्टड्स का एक। जैसे ये भी अच्छा है, ये अच्छा तो है बट झूठ नहीं बोलूंगा सक्सेस नहीं है, ये खराब जल्दी हो जाता है, मुझे तो बेचना ही है बट जो चीज नहीं पसंद आई वो सीधा बोल देता हूं। सही, एक ही बता रहा हूँ मैं, बहुत कंप्लेंट्स आई है। ये आप देख रहे हैं उसकी क्वालिटी, ये अराउंड 3799 की MRP थी। ये देखो, इसमें फिंगर टच दिया हुआ था जो कि 2 फिंगर टच था, बट ये वाली साइड इसका फिंगर आपने देखा, ये मटेरियल देख लो यहाँ लगा हुआ है और ये निकल गया। अच्छा, ये निकल ही गया, ये निकल ही गया कस्टमर का, दोनों साइड के निकल गया। हाँ, मैंने कस्टमर को, कस्टमर कंप्लेन आई, मैंने उसको DSD को दे दिया, जो भी डिफरेंस अमाउंट उसने पे कर दिया वो यही मंगा रहा था, बट मैं ये खुद रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, मैंने रखना ही बंद कर दिया इनका सामान। और एक और चीज, LS2 के ग्लव्स भी मत लेना आप लोग कभी, LS2 की का सेम इशू आ रहा है, मेरे पास 2-3 ग्लव्स पड़े उसमें भी सेम है, यही फिंगर ही निकल रहा है। राइडर का देख लो, DSD का सब रिप्लाई करते हैं। इनफैक्ट मैं बोलूंगा आप स्काला के जैकेट्स हो गए, ग्लव्स हो गए ट्राई करो, बहुत सुपर क्वालिटी का दे रहा हूँ। और ये कौन सी कंपनी का? ये DSG है, LS2 की बात कर रहा था, व्यूअर्स को बोलूंगा LS2 के ग्लव्स कभी मत लो। ये देखो, ये यूज़ भी नहीं किया, मेरे पास रखा बस, ये देखो कैसा पूरा, ये टच करी थी ये भी वैसे ही निकल गया। ये सस्ते ग्लव्स नहीं, अराउंड 5-6 हज़ार के ग्लव्स है, बट इसमें भी ये देखो, जूम करके देखो, ये देखो कैसा निकल रहा है, मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ। हाँ, ये ना ये निकल रहा है पूरा लेदर, वो नॉर्मल जो जैकेटों में हो जाता है, जैकेट ये होना नहीं चाहिए। देखो, ये कौन सी कंपनी है? ये सेम Zeus की कंपनी है, मैंने मंगाए थे, कुछ अच्छा मिलेगा। देखो कैसे निकलना चालू, रखे रखे देखो निकलना चालू हो रहे हैं यहाँ से। ये देखो फिनिशिंग देखो इसकी, ये देखो कैसे फट रहे हैं, देखो ये तो रखे रखे में ये हालत है। बंदा जब करना हो तो बंदा 5-6 हज़ार लगाएगा, उसको ये मिलेगा कैसा लगेगा, देखो पूरा फट रहा। तो अगर इनका नहीं ले, Zeus का, LS का ना ले, तो फिर कौन से? आप राइडा का लो अभी, यही आप या DSG का ले लो, DSG का ले लो, स्काला का ले लो सबसे, यही आप देखो राइडा का। मैं ग्लव्स बता देता हूँ, इसकी MRP है 4,999। ये होते ग्लव्स, अलग ही लेवल के ग्लव्स है, ग्लव्स जिसको बोलते हैं। देखो स्लाइडर्स दो दिया हुआ है, इसकी फिनिशिंग देखो, आपको लग रहेगा कहीं से फिनिशिंग का इशू है इसको। कलर भी अच्छा है, कलर भी अच्छा है इसमें, सेम वाटरप्रूफ आके 2700 की, मतलब अगर बंदा नॉर्मल ग्लव्स 5-600 वाला लो, वो भी अपने पास पड़ा है, वो मिल जाएगा तो ऐसा है कि चलो नॉर्मल है, बट अगर राइडिंग के लिए जा रहे हैं तो राइडिंग के लद्दाख वदाख जा रहे हैं तो ऐसे ही ग्लव्स काम आएंगे। अभी अब DSG का किन का बजट नहीं होता, अराउंड 2000 की रेंज में, ये 5000 के, हाँ ये 5000 अराउंड 2000 की रेंज में, देखो ग्लव्स अच्छे दे रहे हैं। इसमें नियॉन दिखाऊंगा तो बहुत ज्यादा ग्लॉसी होते हैं, वो भी अलग ही है। और प्रॉपर देखो ना,
जब आप पहनते हो प्रॉपर लॉक होते हैं यहाँ से, और इधर पैड भी है जो दिख नहीं रहे, दिख नहीं रहे ऐसे वाले पैड है। इनफैक्ट स्लाइडर भी दिया हुआ है, सेफ्टी वाइज पूरा किया हुआ है, और नॉर्मल रेट में बहुत अच्छा ग्लव्स दिया हुआ है, डिजाइन भी अच्छा है इसका। और ये अगर आप प्रीमियम वाले देखते हो ये तो अलग ही लेवल, ये तो बहुत ही खतरनाक है बड़े बड़े से। ये किस रेंज में है? 4499 के। शायद साइज बड़ा है इनका, इसके लिए बड़े लग रहे हैं। साइज बड़ा नहीं है, ये इतने ही आते हैं। इतने बड़े, इतने बड़े आते हैं। आप ये बहुत सारे बड़े हैं ये तो। बट आ जाएगा मेरा हाथ फिर भी, अगर दिखने में बड़े हैं पर क्वालिटी भी अच्छा है। जब आप टूरिंग के लिए करते हो, आप हाईवे पे जाते हो, तो यही सब ग्लव्स आपको ठंडी में बचाते हैं। हाँ, वो इनके फिंगर जुड़ी हुई है और ये सब फिनिशिंग होती है। हाँ, ये ग्लव्स है जिसकी मैं बात कर रहा था, स्काला के ग्लव्स है, इसमें फिंगर प्रोटेक्शन भी है। हाँ, फिनिशिंग देखो, और सबसे बेस्ट पार्ट ना ये इससे इसका दबा के देखो, अलग ही मटेरियल से बनाया हुआ है, सॉफ्ट भी और सेफ्टी वाइज भी अच्छा है। लोगों का हार्ड होता है जो कि कभी कभी एक्सीडेंट के टाइम चुभता है, पहनने में चुभता है, बट ये टूट जाता है, क्रैक आ जाता है, ये कुछ नहीं होता, क्रैक भी नहीं होगा। अच्छा, इस साइड भी काफी अच्छा, वो प्रॉपर प्रोटेक्शन है, ग्रिप जो कि यूजुअली फिसलते हैं उन्हीं फिसलेंगे इसके कारण। ये कुछ भी छोटा मोटा आपको सामान रखना है, स्लिप वगैरह, ये उसके लिए पॉकेट अलग से दी है। ये किस रेंज में है? 6499 का। 6499 में, और इनका भी कुछ वारंटी ऐसा कुछ रहता है? 6-6 मंथ्स का। बारिश वारिश में कुछ खराब होने का नहीं होता ना। ये है स्पेयर विक, और ये है कार्ड, यहाँ पे भी कार्ड में देख सकते हो नंबर है, ये भैया का नंबर, तो लिंक भी रहेगा मतलब गूगल में आपसे, अगर कोई भी दिक्कत है शॉप ढूंढने में डिस्क्रिप्शन में लिंक देख लेना। बाकी थैंक यू फॉर रमन भैया, थैंक यू भाई, आपने बताया, वापस जरूर आऊँगा, कुछ टाइम बाद कुछ लेना होगा तो भी जरूर। तो भाई मीरा रोड और जो भेंदर साइड में रहते हैं वो इस दुकान में भी जरूर आना, स्पेयर विक में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। मैं मिलता हूँ आपको जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। Careful with your pretty eyes and run with me, you're done. Cause you and I are